उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में इस बार बागियों की अग्नि परीक्षा है। इस बार यहाँ की हर सीट पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। कोई बहुजन पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो कोई सपा से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। कोई ऐसा भी है जो भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद सपा में शामिल हो गया, अब हाथी के निशान पर चुनाव लड़ रहा है। बसपा के चार बड़े कद्दावर नेता इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को सपा ने निष्कासित कर दिया था, जबकि त्रिभुवन दत्त और राकेश पांडे बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। इन सभी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इन चारों के सामने अब चुनाव जीतकर खुद को साबित करने की चुनौती है और सपा की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वहीं राम अचल राजभर की गिनती सपा के कद्दावर नेताओं में होती थी। वो अकबरपुर से 5 बार विधायक और 3 बार मायावती के साथ मंत्री रहे। वहीं बसपा के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर भी रह चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद बसपा ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद वो सपा में शामिल हो गए। सपा ने इन्हें अकबरपुर से उम्मीदवार बनाया है। चुनाव की इस लड़ाई में बसपा को चंद्रप्रकाश वर्मा और बीजेपी के धर्मराज निषाद से है। चंद्रप्रकाश वर्मा 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे, तो धर्मराज निषाद सपा से भाजपा में आए हैं। ये बसपा से 3 बार कटहरी से विधायक रह चुके हैं। रामचल राजभर इस बार त्रिकोणीय लड़ाई में फंसे हैं। और बात करें हम लालजी वर्मा की, तो लालजी वर्मा की गिनती बसपा के बड़े नेताओं में होती थी। वह बसपा में 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। पहले ये टांडा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन नए परमिशन के बाद 2012 में लालजी कटहरी में चुनाव लड़ने लगे। वहीं राम अचल के साथ लालजी वर्मा को भी बसपा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद वो सपा में आ गए। सपा ने उन्हें कटहरी से टिकट दिला दिया। इस बार लालजी का मुकाबला बीजेपी निषाद पार्टी के उम्मीदवार अवधेश द्विवेदी और बाहुबली नेता पूर्व विधायक पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे से है। लालजी वर्मा त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। बसपा के कोर वोटों के सहारे चुनाव का स्वाद चखने वाले लालजी वर्मा को इस बार बसपा को कोर वोट से कड़ी टक्कर मिल रही है, तो वो सपा के कोर वोट और सजातीय वोटों के सहारे मैदान मारने की फिराक में हैं। साथ ही राकेश पांडे सपा के विधायक तो बसपा के सांसद रह चुके हैं। वह 2002 में सपा से विधायक बने, लेकिन 2007 में चुनाव हार गए। 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अम्बेडकर नगर से सांसद बन गए। 2014 में वो बसपा में फिर सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। 2017 में उन्होंने अपने बेटे रितेश पांडे को जलालपुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया और जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में राकेश पांडे ने बेटे को लोकसभा का टिकट दिलाकर सांसद बनाया। 2022 में राकेश पांडे बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। सपा के राकेश पांडे को जलालपुर से उम्मीदवार बना दिया गया। उनका मुकाबला सपा से बीजेपी में गए विधायक सुभाष राय और कद्दावर नेता रहे शेर बहादुर सिंह के बेटे राजेश सिंह से है। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश अभी बसपा में हैं, लेकिन राकेश पांडे खुद त्रिकोणीय मुकाबले में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं त्रिभुवन दत्त की गिनती बसपा के बड़े नेताओं में होती थी। पूर्वांचल में बसपा प्रमुख मायावती के खास माने जाने वाले त्रिभुवन दत्त 2007 में विधायक बने, तो एक बार सांसद बने थे। मायावती ने त्रिभुवन दत्त को कई जिलों के कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 2020 में वो सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें आलापुर विधानसभा से चुनाव लड़ाया। उनका मुकाबला बसपा के केडी और बीजेपी के विधायक अनीता कमल और ससुर पूर्व विधायक त्रिवेणी राम से है। त्रिभुवन दत्त त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की 5 सीटों में से 4 पर बसपा के दल बदलू पर भरोसा जताया है, तो बसपा और बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बसपा ने पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़े चंद्रप्रकाश वर्मा को अकबरपुर और से अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी ने जलालपुर से सपा के विधायक रहे सुभाष राय को टिकट दिया, और सुभाष राय 2019 विधानसभा का उपचुनाव जीते थे, लेकिन सपा ने उनका टिकट काटकर राकेश पांडे को टिकट दे दिया, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।